हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवोल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिब्यूलेंट टाइम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में कवर किए हुए हैं, यदि आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं ताकि आपको ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्बुलेंट टाइम द 1905। इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टर्बुलेंट टाइम, जो आपका हेडिंग है टर्बुलेंट टाइम आखिर होता क्या है। वेल, यदि आप लोगों को पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं टर्बुलेंट टाइम होता क्या है। अगर यदि आपको डिफिनेशन लिखने का आए तो आप ये लिख सकते हैं टर्बुलेंट टाइम इज अ टाइम व्हेन देयर इज एन अनस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। मतलब टर्बुलेंट टाइम एक ऐसा समय होता है जब सोसाइटी में अनस्टेबल होता है, मतलब सोसाइटी स्टेबल नहीं होती है, हर चीज़ उथल पुथल होते रहता है, चेंज होते हो रही हो अगर सोसाइटी में, तो उस वक्त का समय जो होता है उसे टर्बुलेंट टाइम कहेंगे हम लोग। अब इससे आप लोगों को एक क्लियर कट मिल चुका होगा कि ये जो टॉपिक है ये इसी बारे में होने वाला है कि इस वक्त रसिया में सब चीज़ अनस्टेबल थी। रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी मतलब होता क्या है? ऑटोक्रेसी एक ऐसा राज्य होता है जहाँ की जो पूरी तरह से शासन व्यवस्था हो वो किसी एक आदमी के अंडर में हो। तो रसिया 1917 से पहले पूरी तरह से ऑटोक्रेसी था, यानी कि वहाँ के जो राजा थे जार निकोलस टू, पूरी पावर, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उन्हीं के अंडर में थी, वो जो चाहते वो रसिया में कर सकते थे। अदर यूरोपियन रूलर्स के बिल्कुल अपोजिट जार निकोलस टू 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में भी किसी भी पार्लियामेंट के सब्जेक्टिव नहीं थे, वो जो मन वो कर सकते थे। रसिया में किसी भी तरह का पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था जार निकोलस के ऊपर। रसिया में जो लिबरल्स लोग थे वो इस तरह के स्टेट को ख़त्म करना चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि रसिया किसी एक आदमी के अंडर में रहे, वो जो मन वो कर सके। रसिया में लिबरल्स इसके बिल्कुल भी खिलाफ थे। अपने लिबरल्स भाई सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर किसान और वर्कर्स के लिए काम किया करते थे 1905 के रिवोल्यूशन के समय, ताकि वे लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड कर सके। दे वेर सपोर्ट, वे लोग एम्पायर में नेशनलिस्ट जो पोलैंड के थे और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में जर्नलिस्ट के द्वारा सपोर्ट किए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि सब लोग वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन चाहता था, कोई भी राजा का पावर पूरी तरह से बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए जो लिबरल्स थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे उनको नेशनलिस्ट सपोर्ट किया करते थे। और जहां पर मुस्लिम डोमिनेशन ज़्यादा थी, मतलब वो एरिया जहां पर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा थे, वहां पर उन्हें जदीदिस्ट सपोर्ट किया करते थे। अब जदीदिस्ट वे लोग थे जो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, यानी कि इस्लाम में जो भी कमियाँ थी उसे दूर करना चाहते थे सोसाइटी के अंदर। वे लोग सब लोग मिलकर लिबरल, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज का सपोर्ट किया करते थे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 1904 का जो समय था वो रशियन वर्कर्स के लिए काफ़ी बुरा साबित हुआ। अब क्यों बुरा साबित हुआ ये देखते हैं, क्योंकि जो इसेंशियल गुड्स थे, जो खाने पीने की सामानें थी, जो ज़रूरत की सामानें थी, उनकी जो प्राइस होती है वो इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि रियल वेज 20% तक डिक्लाइन हो गई। यानी उनकी जो तनख्वाह थी, सैलरी थी, वे इतनी कम हो गई कि वे इसेंशियल गुड्स को भी नहीं खरीद सकते थे। द मेम्बरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। जो जितने भी वर्कर्स एसोसिएशन बने हुए थे उनकी जो मेम्बरशिप थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। जब असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया, निकाल दिया गया, पुतिलव आयरन वर्क्स एक कंपनी का नाम है वहाँ से निकाल दिया गया, तब सारे लोग मिलकर इंडस्ट्रियल एक्शंस के लिए आए। और कुछ दिनों के अंदर 110,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक कर दिए। और वे लोग इस चीज़ का डिमांड करते थे कि वर्किंग डे को रिड्यूस कर वर्किंग आवर को रिड्यूस कर 8 आवर कर दिया जाए और उनकी जो सैलरी है उन्हें बढ़ाया जाए और उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। जो उनका वर्किंग आवर्स होती थी वो तो कभी कभी 14 to 16 आवर्स तक चल जाती थी और वे लोग नहीं चाहते थे इतनी देर तक काम करना। आप ही सोचिए कोई इतनी देर तक कैसे काम कर सकता है, इसीलिए वे लोग स्ट्राइक करते थे।
और स्ट्राइक में लोग डिमांड करते थे कि उनकी जो वर्किंग आवर है उसे घटाकर 8 आवर कर दी जाए और उनके वेजेस को बढ़ाया जाए ताकि वे लोग इसेंशियल गुड्स को खरीद सके और जो उनकी वर्किंग कंडीशन है उसे इम्प्रूव की जाए। इसी चीज़ की मांग करते हुए जब वर्कर्स की एक ग्रुप जिसे फादर गैपोन लीड कर रहे थे वह विंटर पैलेस के पास जब पहुंची, तब उस पर पुलिस और कोसेक्स ने मिलकर अटैक कर दिया। इस अटैक में 100 वर्कर्स मारे गए और लगभग 300 वर्कर्स जो थे वो घायल हो गए। द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है इसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है और यहीं से रशियन रेवोल्यूशंस या फिर 1905 की रेवोल्यूशंस की शुरुआत होती है। इस अटैक के बाद तो स्ट्राइक जो थी वो ऑल ओवर कंट्रीज में होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ बंद होने लगे और जितने भी स्टूडेंट्स थे वे सब इस बात की मांग करते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गए कि उन्हें सिविल लिबर्टीज़ नहीं मिल रही है। सिविल लिबर्टीज़ यानी सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे उन्होंने यूनियंस ऑफ यूनियंस नाम की एक संस्था की स्थापना की और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग करना शुरू कर दिया। 1905 में जब जार निकोलस टू ने देखा कि पूरे यूरोप, पूरे रसिया से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग उठने लगी है, डिमांड बढ़ने लगी है, तब जार ने प्रेशर में आकर इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा, जिसे डूमा भी कहते हैं, इसके क्रिएशन के लिए इजाज़त दे दिया। तब तक रसिया में बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स ने फैक्ट्री कमिटीज़ बना रखी थी, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस बन चुके थे। 1905 के बाद जितने भी ये सब कमिटीज़ थी, यूनियन थी, ये सब को अनऑफिशियली घोषित कर दिया गया, इस सब को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और इन पर जो थे बहुत कड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, इस पर बहुत कड़ा कानून लगाया जाता था। जार ने पहली डूमा को 75 डेज के अंदर में डिसमिस कर दिया और जो फिर से नई डूमा बनी थी उसे 3 मंथ्स के अंदर में डिसमिस कर दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके अथॉरिटी पर या फिर उसके पावर पर किसी भी तरह की कमी आए या फिर उसके पावर पर कोई भी क्वेश्चन कर सके, उंगली उठा सके। ही चेंज द वोटिंग राइट, उसने कुछ वोटिंग लॉ में छेड़खानी की, उसे चेंज किया और जो थर्ड ड्यूमा बनी उसे पूरी तरह से कंजर्वेटिव पॉलिटियंस से भर दिया। कंजर्वेटिव्स वे लोग थे जो चाहते थे कि समाज में बदलाव बहुत धीरे धीरे आए, इनफैक्ट वो तो समाज को बदलना ही नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे कि राजा कभी हटे। थर्ड ड्यूमा को इसी कंजर्वेटिव लोगों से भर दिया गया और जितने भी लिबरल्स थे या फिर रिवोल्यूशनरीज थे उन्हें बाहर रखा गया। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि किस, जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि किस तरह से 20th century के बाद भी, के शुरुआत में भी जार निकोलस टू किसी भी पार्लियामेंट के अधीन नहीं हुए, उस सब का कारण यही था कि उन्होंने किस तरह से पहली ड्यूमा को सस्पेंड किया, सेकेंड ड्यूमा को सस्पेंड किया और थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव्स को भर दिया। बहुत होशियार था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है।